हेलो एवरीवन, तो चलिए आज हम बहुत ही आसान तरीके से वेज बिरयानी बनाएंगे। इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम एक पैन में पानी ले लेंगे और उसमें 2 तेज़पत्ता, 4 इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 फूल चक्री, 4 से 5 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च डालकर पानी को रख देंगे गर्म होने के लिए। और हमने ये चावल को हमने भिगो कर रख दिया था आधे घंटे के लिए। अब हम इसमें चावल भी ऐड कर लेंगे और इसमें 3 हरी मिर्च डालेंगे। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और अब हम चावल को पका लेंगे। तो चावल में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें रोज वाटर डालेंगे 1 टेबल स्पून। तो चावल हमारे 70% पक चुके हैं, तो इन्हें अब हम छान कर एक परात में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और हम एक भगोना ले लेंगे बड़ा और उसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। 2 तेज़पत्ता, 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे और हमने यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली हैं और हमने गोभी लिया है, उसे बड़े साइज में कट कर लिया है। अब इसे हम पहले रोस्ट कर लेंगे गोभी को। और अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। गाजर को भी हमने बड़े स्लाइस में कट कर लिया है। बिरयानी के लिए सब्जियाँ जो हम काटते हैं वो ज़्यादा छोटी नहीं काटते, थोड़ा बड़ा ही काटते जिसमें सब्जियाँ गले ना। और अब हम इसमें बीन्स ऐड करेंगे। बीन्स को भी देखिए हमने 1 इंच के लंबाई में कट कर लिया है। स्वीट कॉर्न, मटर ऐड कर लेंगे और इन सभी सब्जियों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो हमने पहले गैस की फ्लेम को स्लो कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और इसे भी हम रोस्ट करेंगे। और अब इसमें हम दही 1/2 कप ऐड करेंगे और इसे हम मसालों के साथ रोस्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जियों को अब हम ढककर पका लेंगे। सब्जियों को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, केवल 50% ही हम पकाएंगे। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं, सब्जियां हमारी पक गई हैं। देखिए सब्जियां हमारी 50% पक चुकी हैं। तो और हमने देखिए पनीर लिया है 200 ग्राम, हमने इसे स्लो फ्राई कर लिया है और इसे हम इस पर एक लेयर लगा लेंगे पनीर की। और अब इस पर हम राइस की लेयर लगाएंगे। राइस से हम सब्जियों को अच्छे से कवर कर देंगे और हम इसे दबा कर राइस की एक पूरी लेयर अच्छे से लगा देंगे। और अब हम इसमें घी डालेंगे 2 टेबल स्पून और इस पर हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। और हमने अनियन को गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रख लिया था, उसको इस पर डालेंगे। और अब हम इस पर दही डाल देंगे 2-3 टेबल स्पून। और हम इसमें कलर यूज करेंगे, आपकी इच्छा हो तो आप डालें, नहीं तो ना डालें। हमने इसमें खाने वाला कलर यूज किया है बिरयानी में, इससे कलर बहुत अच्छा आता है बिरयानी का। और इसे हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, हमने तावे पे रखा है इसे। तो चलिए अब देखिए हमारी बिरयानी बनकर रेडी हो गई है, इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बिरयानी का कलर कितना अच्छा आया है और हमारी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी से। तो इसे अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी बिरयानी बनकर रेडी हो गई है।